So for each and every separation technique, you must be knowing its principle, its procedure and its application. ठीक है, क्या उसका principle है, कहाँ पर हम उसको use कर रहे हैं, कैसे हम इसको use कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए for the separating technique. ठीक है, अब crystallization method में मैंने last time आपको बताया था, whenever we want to get the crystals of any substance, pure crystals चाहिए हमें किसी impure sample से. Like I gave you the example of copper sulfate, impure copper sulfate. Impurities can be of any nature, चाहे उनकी जो shape है crystals की वो perfect नहीं है, उसके बीच में कुछ ना कुछ impurities हैं. ठीक है, ब्लू कलर के क्रिस्टल्स हैं, उनके बीच में कुछ व्हाइट व्हाइट कलर का, ब्लैक ब्लैक कलर का कुछ इम्प्योरिटीज आ चुकी हैं. ठीक है, दैट वी कांट एक्चुअली सेपरेट. तो दूसरा सेपरेशन का मेथड क्या होता है कि हम उसके क्रिस्टल्स बना लें इजीली, उसकी शेप भी जो है वो दोबारा बन जाती है क्रिस्टल्स की, एंड यू विल बी गेटिंग दैम इन द प्योर फॉर्म. ओके, इम्प्योर कॉपर सल्फेट. या सेकेंडली आपको पता है दैट वेन एवर वी गेट सॉल्ट, सी सॉल्ट जो होते हैं, ओके, उनमें जो सॉल्ट है वो प्यूरिफाइड नहीं होते हैं, हमें उनको क्या करना पड़ता है, वी हैव टू प्योर देम. सो सी सॉल्ट दे कैन बी प्यूरिफाइड बाय फॉर्मिंग क्रिस्टल्स. तो आप सी सॉल्ट के क्रिस्टल्स बना सकते हो, ऐसे उनको क्या कर सकते हो, प्यूरिफाई कर सकते हो. सिमिलरली शुगर, शुगर के हम क्रिस्टल्स बना सकते हैं. बेटा वेयर आर योर मास्क, कहाँ, ओके, सो वी कैन फॉर्म द क्रिस्टल्स ऑफ शुगर आल्सो, राइट. दे हाँ जी बेटा, आप उनको ड्राई करो फिर यूज कर लो. ओके, यू कैन ड्राई देम एंड यूज देम. एलम, आपके घर में फटकरी होगी, डैड यू आल्सो सी इन द क्रिस्टल फॉर्म, उसके भी क्रिस्टल्स होते हैं. ठीक है, उसको भी अगर आपने प्यूरिफाई करना है, ओके, इफ यू फील दैट द एलम इज नॉट एक्चुअली प्योर, तो उसको भी आप यूजिंग क्रिस्टलाइजेशन दोबारा उसके क्रिस्टल जो है वो बना सकते हैं. ब्लीचिंग पाउडर के क्रिस्टल्स होना बनेंगे बेटा, बेटा पाउडर है वो, क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे उनके. ओके, आपने लास्ट टाइम क्लास नहीं अटेंड की, पाउडर होते हैं ये, क्या हो गया, बेकिंग पाउडर देखा नहीं आपने, पाउडरी फॉर्म होती है वो. मैं क्रिस्टल की बात कर रही हूँ, शुगर का क्रिस्टल देखा है, हम उसकी बात कर रहे हैं. सॉल्ट पाउडर नहीं होता बेटा, सॉल्ट को अगर आप माइक्रोस्कोपिक देखो तो वो क्रिस्टल्स होते हैं, सॉल्ट इज नॉट अ पाउडर. क्रिस्टल्स कैसे बनाने हैं बेटा, आपने जो आपको इम्प्योर सैंपल दिया है उसको मिनिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर में डिसॉल्व करो. फॉर एग्जांपल, इफ आई वांट टू फॉर्म द क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट, मिनिमम क्वांटिटी ऑफ कॉपर सल्फेट, मिनिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर में कॉपर सल्फेट को डिसॉल्व करवाना है, उसको हीट करना है. ठीक है, बीच में आपने थोड़ा सा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालना है. फॉर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड क्यों डालते हैं हम, क्लियर ट्रांसपेरेंट वाटर चाहिए, तो जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं वो सेटल डाउन हो जाएंगी या उसमें डिसॉल्व हो जाएंगी. ठीक है, इन ऑर्डर टू डिसॉल्व द इम्प्योरिटीज. ओके, उसके बाद हमने उसको हीट करना है टिल द क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट. जैसे ही उसका क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट आ जाता है हमने उसको फिल्टर कर लेना है. ओके, एंड लेट इट कूल फॉर सम टाइम. तो आफ्टर सम टाइम व्हाट यू विल सी कि जो आपके क्रिस्टल्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे इन द क्रिस्टलाइन फॉर्म, और पीछे जो है वो थोड़ा सा लिक्विड रह जाएगा, एंड दैट लिक्विड इज नोन एज मदर लिक्विड. तो यहाँ से जो क्रिस्टल्स आए हैं हमने उनको क्या कर लेना है, ड्राई कर लेना है. ओके, तो यू विल गेट द प्योर क्रिस्टल्स. मदर लेकर इम्प्योरिटीज हैं जो पीछे रह जाएंगे. ठीक है, नाउ द सेकेंड थिंग इज विच मेथड इज बेटर, इवेपोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन. हाँ जी बेटा बोलिए, क्यों क्रिस्टलाइजेशन कह रहे हैं हम,
तो इवेपोरेशन में नहीं मिल सकती। Sit down. Crystallization matter method is better than the evaporation method. Firstly, क्यों बेटर है? बस देख लिया मैंने आपको कितना आता है, देखो। Crystallization method is better than the evaporation method. The reason is, कई बार आप क्या करते हो evaporation में, हमें उस substance को बहुत ज्यादा high temperature तक क्या करना पड़ता है, heat करना पड़ता है। For example, if you want to evaporate the water from any substance, तो आपको उतनी देर तक उसको हीट सप्लाई करनी पड़ती है जब तक सारे का सारा पानी जो है वो इवेपोरेट ना हो जाए। दैट मीन्स द टेम्परेचर ऑफ द डैट सब्सटेंस इट कैन बी इंक्रीज्ड टू अ वेरी हाई अमाउंट। ठीक है, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर तक हम जो है वो सब्सटेंस को हीट करते हैं। अब कई बार कुछ सब्सटेंसेस ऐसी होती हैं जो इतनी हीट जो है वो टॉलरेट नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल शुगर, आप सबने देखी है शुगर, जब आप उसको मेल्ट करवाना शुरू करते हो तो वो व्हाइट से ब्राउन कलर में चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ऐसी सब्सटेंसेस जो डीकम्पोज हो जाती हैं ऑन हीटिंग, दिस फिनोमिना इज नोन एज चैरिंग। ठीक है, कुछ सब्सटेंसेस ऐसी होती हैं जिसको आप बहुत ज्यादा हीट करते हो तो वो डीकम्पोज होना शुरू हो जाती हैं। लाइक द एग्जांपल ऑफ शुगर दैट चेंजेस इट्स कलर फ्रॉम व्हाइट टू, तो मुझे तो वही कलर चाहिए, मुझे तो वही सब्सटेंस चाहिए, ये जो नया बन गया है मुझे ये नहीं चाहिए। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट यूज ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मेथड। क्रिस्टलाइजेशन में हम सब्सटेंस को इतने ज्यादा हाई टेम्परेचर तक हीट नहीं करते हैं, हम सिर्फ उसके क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट तक करते हैं, दैट कैन बी रीच्ड वेरी अर्ली। ठीक है, तो थोड़ा सा सब्सटेंस को हीट करना पड़ता है ताकि जो सब्सटेंस है वो आपका सेम रहता है, इंटैक्ट रहता है, चेंज नहीं होता है। ओके, सेकेंडली, कई बार हमारे पास कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज होती हैं, वी आर हैविंग सम इम्प्योरिटीज जो इवेपोरेट नहीं करती हैं। ओके, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज होती हैं जो इवेपोरेशन के साथ इवेपोरेट नहीं करती हैं। तो फिर इवेपोरेशन करने का मतलब ही क्या हुआ कि अगर मेरी इम्प्योरिटीज जो है वो नहीं गई उसके साथ। ठीक है, अगर मेरी इम्प्योरिटीज ही नहीं इवेपोरेट हुई हैं तो मुझे जो लिक्विड मिल रहा है वो प्योर स्टेट में नहीं मिल रहा। तो दैट मींस दिस इज द सेकंड डिसएडवांटेज ऑफ इवेपोरेशन मेथड। बट यही जब हम क्रिस्टलाइजेशन की बात करेंगे, क्रिस्टलाइजेशन में हमेशा जो क्रिस्टल्स बनते हैं वो प्योर सब्सटेंस के बनते हैं, चाहे उसमें इम्प्योर सब्सटेंस भी है। ओके, अगर उस सब्सटेंस में इम्प्योर सब्सटेंस भी है बट जो क्रिस्टल्स बनेंगे हमेशा वो किसके बनेंगे? प्योर सब्सटेंस। ओनली द प्योर सब्सटेंस विल फॉर्म क्रिस्टल, बाकी जितनी इम्प्योरिटीज होंगी वो मदर नेचर के साथ बाहर निकल जाएंगी। बट इवेपोरेशन में ऐसा नहीं होता है। अगर इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज हैं तो वो उस मिक्सचर में रहेंगी, मिक्सचर के साथ रहेंगी, पानी के साथ इवेपोरेट नहीं होंगी, तो वो आपके जो मेन आपका सेकेंड कॉम्पोनेंट है उसके साथ इंटरफेयर करेंगी। बट यहाँ पर जो सिर्फ प्योर सब्सटेंस है वो अलग हो जाएगा, बाकी जो इम्प्योर सैंपल है वो अलग हो जाएगा। क्लियर? क्लियर हो गया? So why crystallization is better than evaporation? This is the reason. ठीक है? The next method is chromatography. So if you remember, when we did the evaporation method, जब हमने evaporation method किया था तो मैंने उसमें आपको clear cut बताया था कि जो ink है that consists of dye and water. तो अगर आपने ink के components separate करने हैं, ink के कौन कौन से components हैं,
तो अगर मैंने इंक के कंपोनेंट सेपरेट करने हैं तो मैं कौन सा मेथड यूज करूंगी? क्योंकि यहां पर एक कंपोनेंट वाटर है, वाटर को हम इजीली बॉइल करवा सकते हैं, ओके, एंड वी आर लेफ्ट विद डाई ओनली. बट इफ आई वांट टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ डाई, अगर मैंने डाई के कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है देन आई विल बी यूजिंग विच मेथड? इसको अपने पेज के टॉप पे लिख लो, बिकॉज स्टूडेंट हे यूजली गेट कंफ्यूज बिटवीन दीज टू टेक्निक्स. ठीक है जी. सो इंक को हमने जब सेपरेट करना है, इंक के कॉम्पोनेंट्स को सेपरेट करना है, वी विल बी यूजिंग द मेथड ऑफ इवेपोरेशन. एंड वेन वी हैव टू सेपरेट द कॉम्पोनेंट्स ऑफ डाई, वी विल बी यूजिंग विच मेथड? क्रोमेटोग्राफी. नाउ हेयर द वर्ड क्रोमेटोग्राफी, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड. ये जो वर्ड है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड क्रोमा. द वर्ड क्रोमेटोग्राफी इज एक्चुअली टेकन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड क्रोमा, वेयर द क्रोमा मीन्स, वेयर क्रोमा मीन्स कलर. तो यानी कि क्रोमेटोग्राफी टेक्निक में हम क्या कर रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग इन द क्रोमेटोग्राफी टेक्निक, वी आर एक्चुअली सेपरेटिंग द कलर्ड कॉम्पोनेंट्स. व्हाट वी आर डूइंग, वी आर एक्चुअली सेपरेटिंग द कलर्ड कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ सब्सटेंस. ठीक है, तो हमारे पास जो सेपरेशन के बाद चीजें आ रही हैं वो आपके पास कलर्स आ रहे हैं. ओके, मैनी नेचुरल फिनोमिनास, मैनी नेचुरल थिंग्स आर देयर सो देयर आर मैनी सब्सटेंसेस इन विच देयर आर कलर्ड कॉम्पोनेंट्स. जैसे स्पिनिच है, फ्लावर्स हैं, ठीक है, इनके क्या होते हैं, दे आर एक्चुअली हैविंग द कलर्ड कंपाउंड्स इन इट, राइट. तो वो जो कलर्ड कंपाउंड्स हैं हम वो सेपरेट करते हैं यूजिंग द मेथड ऑफ क्रोमेटोग्राफी. ओके, फ्लावर्स के कंपोनेंट्स हैं, स्पिनिच के कलर्ड कंपोनेंट्स हैं, ये सारी चीजें हम कैसे सेपरेट करते हैं, थ्रू द क्रोमेटोग्राफी टेक्निक. अब क्रोमेटोग्राफी में हमने करना क्या है, कलर्स को सेपरेट करवाना है तो किसी चीज के ऊपर करवाएंगे. ठीक है, कलर्स को अगर सेपरेट करवाना है तो किसी चीज के ऊपर सेपरेट कराएंगे, एंड दैट थिंग वी टेक इज अ फिल्टर पेपर. तो हम एक फिल्टर पेपर की स्ट्रिप लेते हैं. ओके, यहां पर हम एक लाइन लगाते हैं एट द लोअर साइड, राइट. आपने जिस चीज को सेपरेट करना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने डाई के कॉम्पोनेंट्स को सेपरेट करना है, मैं उसका एक सॉल्यूशन बना लेते हैं. डाई में थोड़ा सा वाटर ऐड कर लेते हैं. ओके, डाई में हमने थोड़ा सा वाटर ऐड कर लेना है और उसका क्या प्रिपेयर कर लेना है, एक सॉल्यूशन प्रिपेयर कर. ओके, उस सॉल्यूशन को, नींद आ रही है बेटा, सो इस सॉल्यूशन की एक ड्रॉप, जस्ट अ लिटल ड्रॉप यू हैव टू पुट ऑन दिस फिल्टर पेपर यूजिंग अ कैपिलरी ट्यूब. देखी हुई है आपने कैपिलरी ट्यूब, बहुत फाइन सी ट्यूब होती है, ठीक है, जिसको आपने अपने सॉल्यूशन में डिप करवाना है और बहुत थोड़ा सॉल्यूशन जो है वो उसमें जाता है और वो आपने इसके ऊपर एक स्पॉट की तरह जो है वो फिल्टर पेपर पे लगा देना. डन, ठीक है, यहां तक कर लिया हमने. अब हमने क्या करना है, व्हाट नेक्स्ट वी वांट टू डू, आई विल बी टेकिंग अ ग्लास जार. यहां पर आपने एक ग्लास जार लेना है, ठीक है, उसको आपने फिल करना है विद वाटर, थोड़ा सा ही भरना है बस.
okay, you have to take a glass jar and you have to put a little water into it. जो पानी का लेवल है वो इस स्ट्रिप से नीचे होना चाहिए, बस ये देखना। जो आपने स्पॉट लगाया है, पानी का जो लेवल है इस स्पॉट से नीचे होना चाहिए, इस स्पॉट के ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है? Then you have to cover it. किसी भी चीज के साथ उसको कवर कर दो थोड़ी देर के लिए. After some time, what you will observe? कुछ देर बाद आप ऑब्जर्व करोगे कि ये जो फिल्टर पेपर की स्ट्रिप है जिसके ऊपर आपने एक्चुअली एक स्पॉट लगाया था, नाउ इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू टू थ्री फोर स्पॉट्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, ठीक है? बहुत सारे इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के स्पॉट्स आ जाएंगे. सपोज रेड, यहाँ पर येलो आ गया, क्योंकि वो चीज जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को कंबाइन करके बनी हुई है, तो हम कलर्स ही तो सेपरेट कर रहे हैं, इसमें नेचुरल कलर्स को सेपरेट कर रहे हैं. अब फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स के अंदर भी तो नेचुरल कलर्स हैं, तो हम उनको सेपरेट कर रहे हैं. हाँ, वो डिफरेंट मिक्सचर है ना, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स का, ठीक है? लेट सपोज हेयर यू गेट द ऑरेंज वन, ओके? तो इन दिस वे यू विल बी गेटिंग द डिफरेंट डिफरेंट कलर्स. तो हमने डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को सेपरेट कर लिया. दिस इज एक्चुअली द क्रोमेटोग्राफी टेक्निक. अब ये कलर्स सेपरेट कैसे हुए? क्या था इस सॉल्यूशन में, क्या था इस पानी में जिसने इनको सेपरेट कर दिया? तो एक्चुअली दिस टेक्निक इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटीज ऑफ द कॉम्पोनेंट इन द सॉल्वेंट. ये इसका प्रिंसिपल है, दैट इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटीज ऑफ द कॉम्पोनेंट्स इन द सॉल्वेंट. यानी कि जो कॉम्पोनेंट आपका ज्यादा सॉल्युबल है पानी में, पानी में जो ज्यादा मिक्स हो रहा है, ओके, द कॉम्पोनेंट दैट इज एक्चुअली मिक्सिंग मोर विद द वॉटर, वो ज्यादा ऊपर तक राइज करेगा. जो कॉम्पोनेंट पानी के साथ ज्यादा मिक्स हो रहा है वो ज्यादा क्या करेगा, ऊपर तक राइज करेगा पानी के साथ. और जो कॉम्पोनेंट पानी में कम सॉल्युबल है वो पहले निकल जाएगा, ओके? जो कंपोनेंट पानी में कम सॉल्युबल है वो पहले सेपरेट हो जाएगा, जो कंपोनेंट पानी में ज्यादा सॉल्युबल है वो ज्यादा ऊपर तक जाएगा. दैट शोज कि जो रेड कंपोनेंट है इसके लिए, मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ रेड की इसके लिए, ओके, कि यहाँ पर हम क्या शो कर रहे हैं कि जो रेड कंपोनेंट है दैट इज मोर सॉल्युबल इन वॉटर एंड द ब्लू कॉम्पोनेंट इज लेस सॉल्युबल इन वॉटर, इसलिए वो पहले बाहर आ गया. जो रेड कॉम्पोनेंट था वो ज्यादा सॉल्युबल है इसलिए वो ज्यादा ऊपर तक गया, वॉटर के साथ राइज किया है वो. क्लियर? वो भी बताती हूँ मैं. जब हम क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक करते हैं, ये एक्चुअली आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पर स्पॉट्स लगाती हूँ, बट एक्चुअली ये कलर जो है वो एक दूसरे में मर्ज होते हैं, मिक्स होते हैं. हाँ जी, जरूरी नहीं है, जो स्पॉट्स आते हैं ना वो ऐसे 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 करके आते हैं, तो ये एक दूसरे के साथ मिक्स्ड होते हैं, किसी भी वे में ये राइज हो सकते हैं. जरूरी नहीं है ये सीधे ही राइज करेंगे, जैसे मर्जी ये राइज कर सकते हैं, जिस लेंथ तक मर्जी ये जा सकते हैं. एक आपको क्लियर स्पॉट नहीं आएगा, आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पर क्लियर स्पॉट लगा रही हूँ बस. क्लियर? चलिए, राइट डाउन द एप्लीकेशंस. They can be used to identify unknown substances in different samples. They can be used. They can be used to identify unknown substances in different samples. Suppose आपको मैंने कोई sample दे दिया है, आपको नहीं पता है कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, okay? So you can use the chromatography method and then
you can detect those unknown substances. To separate the colors of the dye ke color separate karne ke liye, to separate the colors from the dye, pigments from the natural colors, to separate the pigments from the natural colors, natural flowers, sorry, pigments from the natural flowers, colors in dye, to separate the different colors of the dye, to separate the pigments of the flower, to separate amino acids. Separation of amino acids, separation of sugar from urine, and drugs from the blood. Sugar from urine and drugs from the blood. तो इन सब चीजों की सेपरेशन के लिए आप कौन सा मेथड यूज कर सकते हो? क्रोमैटोग्राफी. दैट मींस क्रोमैटोग्राफी का मेडिसिनल यूज भी है. ठीक है, जैसे हमने सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का पढ़ा. ओके, नेक्स्ट इज राइट डाउन हाउ कैन यू सेपरेट आयरन फिलिंग्स फ्रॉम द सल्फर. मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड यू विल एम्प्लॉय इन ऑर्डर टू सेपरेट द आयरन सब्सटेंसेस फ्रॉम एनीथिंग. ठीक है, यहाँ पर अब मैंने सल्फर कह दिया, आपको सल्फर की बजाय और भी कुछ दे सकते हैं. तो जहां पर भी आयरन की चीजें हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि आयरन की चीजों को आपने सेपरेट करना है, सो यू विल बी एम्प्लॉइंग द मेथड मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड. राइट डाउन द नेक्स्ट नाउ. Write down the next technique. Distillation method. Next technique is distillation method. If you remember the separating funnel method, उसमें हमारे पास दो अलग अलग liquids थे that were actually immiscible with each other. ऑयल एंड वाटर थे, वो तो एक दूसरे में मिक्स नहीं हो रहे थे. ओके, बट व्हाट इफ आई एम हैविंग अ सैंपल ऑफ वाटर एंड अल्कोहल. ओके, सो डिस्टिलेशन मेथड हम किसके लिए यूज करते हैं? वी विल बी यूजिंग दिस मेथड फॉर मिसिबल लिक्विड्स दैट एक्चुअली मिक्स विद ईच अदर. जो लिक्विड्स एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, हम उनके लिए ये टेक्निक एम्प्लॉय करते हैं. ओके, ओके, फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू सेपरेट वाटर फ्रॉम अल्कोहल और मैंने मिक्सचर ले लिया है वाटर और एसीटोन का. ओके, अब ये जो टेक्निक है इट गवर्न्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट. तो इसका प्रिंसिपल क्या है, किस बेस पे ये काम करती है? डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट्स, यानी कि दो लिक्विड्स के बीच में एटलीस्ट कुछ ना कुछ बॉइलिंग पॉइंट्स का डिफरेंस होना चाहिए. एंड दैट डिफरेंस इट शुड बी इट शुड बी मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस और 25 केल्विन. अगर आप दोनों का केल्विन में बता रहे हो तो 25 केल्विन कह देना है, अगर उनका डिग्री सेल्सियस में बता रहे हो तो 25 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा. ठीक है, बट 25 या 25 से क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, 25 से कम नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ वॉटर, what is the boiling point of water?
And here the acetone is having the boiling point of 56 degree. तो इन दोनों के बीच में sufficient difference है boiling points का, ठीक है? अब हमने करना क्या है इसमें? नहीं बेटा, एसीटोन आपके नेल पेंट रिमूवर्स में यूज होता है। देखिए बेटा, इधर डिस्टिलेशन मेथड करने के लिए हम एक फ्लास्क लेते हैं, इसको राउंड बॉटम फ्लास्क कह देते हैं या डिस्टिलेशन फ्लास्क कह देते हैं, ठीक है जी? ये मैं आपको नेक्स्ट टाइम दिखा दूंगी। इसमें हमने अपना मिक्सचर लेना है, we will be taking our mixture in it. Again, organic liquids हैं तो हम इनको directly heat नहीं करेंगे, तो मैं इसको रखूंगी water bath पे, ठीक है? जैसे आपने components of ink separate किया था ना, experiment दिखाया था ना मैंने, indirect heating देते हैं हम, पानी boil करते हैं फिर उसके ऊपर उसको रख रहे हैं, तो in the same way यहाँ पर भी हम indirect heating दे रहे हैं। ये जो water bath है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स,